हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी मैकेनिकल में स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली चीज़ कि ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो आप लोग पूरे पेशेंस के साथ इस वीडियो को सुनिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैं पहले सोच रहा था कि आपको बहुत कंसाइज वे में, बहुत शॉर्ट वे में सारी चीज़ों को बताऊँ, लेकिन फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर आप लोग सब्जेक्ट के कंसेप्ट को नहीं समझोगे, छोटी छोटी डिवाइसेस के बारे में नहीं जानोगे, अगर आप लोग ये नहीं जानोगे कि कोई चीज़ आई कहाँ से, क्यों आप इसको पढ़ रहे हो, तब तक आप लोग इस सब्जेक्ट को अपने साथ जोड़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को जानने के लिए ये वीडियो लंबा होगा, और इस बेसिस पे आप लोग जो भी इससे रिलेटेड पार्ट्स हैं उनकी स्टडी जब करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि जितनी भी चीज़ें यूपीएससी में आती हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो भी इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आपको बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई चीज़ कहाँ से इवॉल्व होना चालू हुई, कहाँ से पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आई है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पार्ट वन के अंदर हम लोग ने मेकाट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी थी, क्या क्या हमारे सिलेबस के अंदर है उसको समझा था, और साथ ही साथ ये सीखा था कि मैकेनिकल सिस्टम के अंदर हम लोग ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को इंक्लूड किया था, सो दैट हमको मैकाट्रॉनिक सिस्टम मिल सके। तो चलिए, इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर हम लोग एक बार फिर से मैकाट्रॉनिक सिस्टम जो सीएनसी मशीन के अंदर होता है उसका कंपेरिजन कर लेते हैं कन्वेंशनल मशीन से। कन्वेंशनल मशीन कौन है? आपकी लेथ हो गई, मिलिंग हो गई, यही सारी मशीन का कंपेरिजन हम लोग कर रहे हैं सीएनसी मशीन से। तो देखिए, जो आपकी सीएनसी मशीन होती है उसके अंदर जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, ठीक है। जबकि कन्वेंशनल लेथ की बात करोगे आप तो वहां पे सारी चीजें मैनुअली होती हैं, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जितने भी ऑपरेशन मैनुअली होंगे उनके अंदर एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आने के बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन उनमें से कुछ रीजन की बात की जाए तो सबसे बड़ा रीजन है कि जो भी आपका ऑपरेटर रहता है उसको सेम काम करते करते फटीग डेवलप हो जाता है, और बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं स्किल सेट ऑफ ऑपरेटर पे, कितना स्किल्ड ऑपरेटर आपकी मशीन को परफॉर्म कर रहा है या आपकी मशीन को चला रहा है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जबकि सीएनसी की बात करी जाए तो वहां पे एक्यूरेसी बहुत हाई मिलती है और रिपीटिशन बहुत अच्छा मिलता है, ठीक। तो ये सारी चीजें थी, ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट थी जिनके कारण आप लोग कन्वेंशनल मशीन से स्विच करके चले गए मेकाट्रॉनिक्स की तरफ, या बोलिए सीएनसी मशीन की तरफ, ठीक है। तो देखिए, ये तो बात हुई हमारे मेकाट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस की। अब हम लोग बात करते हैं कि मेकाट्रॉनिक्स सिस्टम के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए, एलिमेंट्स में जाने से पहले हम लोग फिर से एक और एग्जाम्पल लेते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का। तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब है? सिर्फ इतना सा मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर हमने कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट किया। कंप्यूटर के इन्वॉल्वमेंट से क्या हुआ कि हम लोग ने विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर बहुत सारी चीजों को टेस्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ने एनसिस सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा। तो एनसिस सॉफ्टवेयर क्या करता है? एनसिस सॉफ्टवेयर आपका एनालिसिस का काम करता है। कैसा एनालिसिस? जो भी चीज हमारी रनिंग कंडीशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग या डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल कंडीशंस के अंदर आ सकती है उसको हम लोग इन्वॉल्व करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, और वहां पे कंपोनेंट को बना करके सारी चीजों की स्टडी करते हैं कि किसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कितना लोड या कितना हीट जनरेट हो सकता है। इन्हीं सारी चीजों की स्टडी हम लोग बिफोर हैंड, बिना हम लोग किसी कंपोनेंट को डेवलप किए हुए ही सारी चीजों की स्टडी कर सकते हैं, जबकि पहले जो सिस्टम हुआ करते थे उनमें ये सारी चीजें नहीं होती थी। तो ये भी एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर है कि आपका मेकाट्रॉनिक सब्जेक्ट, या बोलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग को जोड़ना पड़ा कंप्यूटर्स के साथ, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि किसी मेकाट्रॉनिक सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहले कोई ना कोई छोटा सा सेंसर प्रेजेंट रहेगा। सेंसर का क्या काम है? सेंसर आपके सिग्नल्स को भेजेगा। सिग्नल्स वो एनालॉग फॉर्म में हो सकते हैं या डिजिटल फॉर्म में, और ये सिग्नल्स किसको भेजेगा? ये सिग्नल्स भेजेगा माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर को। अब माइक्रो कंट्रोलर जो होता है उसको सारे के सारे सिग्नल्स चाहिए रहते हैं डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। तो अगर सेंसर ने एनालॉग फॉर्म में सिग्नल्स को भेजा है तो उस एनालॉग फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डिजिटल फॉर्म में, क्योंकि जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्म में समझ में आती हैं,
ठीक है। तो इसलिए हमको एक डिवाइस लगाना पड़ता है सेंसर और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में, एडीसी। एडीसी का मतलब है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही सिग्नल्स माइक्रो प्रोसेसर को डिजिटल फॉर्म में मिलेंगे, वो अपना काम करना स्टार्ट करेगा। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो ब्रेन का काम रहता है, जो ब्रेन का फंक्शन रहता है, सेम पूरे मेकाटोनिक सिस्टम के अंदर, जो भी हम लोग मेकाटोनिक सिस्टम पढ़ते हैं, उसके अंदर जो ब्रेन रहेगा, जो एक्शन लेने का काम करेगा, वो आपके माइक्रो प्रोसेसर या बोलिए माइक्रो कंट्रोलर होते हैं, ठीक है। अब देखिए, दोनों में डिफरेंसेस होता है। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उसको हम लोग बाद में समझेंगे, अभी के लिए आप इनको सेम मान के चलिए, ठीक है। अब एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी माइक्रो प्रोसेसर के पास डिजिटल सिग्नल मिले हैं, उसके हिसाब से माइक्रो प्रोसेसर डिसाइड करेगा कि करना क्या है, ठीक है। तो वो भी अपने सिग्नल्स भेजेगा डिजिटल फॉर्म में एक्चुएटर को। एक्चुएटर आप अभी के लिए समझ लीजिए, छोटी सी मोटर्स होती हैं, ठीक है। अगर मशीन की बात करो तो वहां पे जो मोटर्स लगी रहती हैं, वो रहती हैं एक्चुएटर। ये सिर्फ आप समझने के लिए समझिए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर जैसे ही अपने सिग्नल भेजेगा एक्चुएटर के पास, तो जो आपके एक्चुएटर होते हैं ना, उनको सारी चीजें एनालॉग फॉर्म में चाहिए। एक्चुएटर तभी काम कर पाएगा जब उसके पास एनालॉग सिग्नल आएंगे। तो इसके लिए हमें डीएसी लगाना पड़ता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। अब एक्चुएटर को समझ में आ गया कि हमें काम क्या करना है, तो वो मैकेनिकल सिस्टम के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब जो भी फंक्शन वो परफॉर्म करेगा, तो मैकेनिकल सिस्टम के अंदर जो चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस को भेजा जाएगा फिर से सेंसर के पास कि जो इसने काम किया है क्या वो सही है। तो इसलिए भेजा जाएगा सेंसर्स के पास। तो देखिए, जब भी आपका ये पूरा लूप बन के आ जाए सामने, तो ये जो लूप है ना, ये आपका क्लोज लूप सिस्टम कहलाता है। ये ऑलरेडी आप लोग जानते हो, ठीक है। तो इन्हीं पर्टिकुलर एरियाज का हम लोग स्टडी करने वाले हैं मेकाटोनिक सिस्टम के अंदर। तो देखिए, सेंसर और एक्चुएटर के बारे में हम लोग ने कुछ ना कुछ चीजें कभी ना कभी पढ़ रखी हैं, और ये इतने टफ पार्ट नहीं है। अब बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की, या बोलिए माइक्रो कंट्रोलर की। तो ये हर एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए थोड़ी नई चीज है, ठीक है। बहुत ज्यादा नई चीज नहीं है, थोड़ी नई चीज है, और यही सबसे टफेस्ट पार्ट है पूरे मैकाटोनिक सिस्टम के अंदर। और हमने ऑलरेडी ये समझ लिया है कि जो भी मैकाटोनिक सिस्टम रहेगा, उसके अंदर जो ब्रेन होता है, वो होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में स्टडी करना, ठीक है। तो देखिए, अब ये माइक्रो प्रोसेसर जो है, उसका डेवलपमेंट कब हुआ? तो सबसे पहले आए थे आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और उनके अंदर माइंड के लिए, या बोलिए जो भी ब्रेन था, वो लगाया गया था वैक्यूम ट्यूब के फॉर्म में, ठीक है। फिर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आए, वहां पे वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर लगाया गया। फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आए, उनके अंदर ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगाई गई, ठीक है, आईसी लगाई गई। अब उसके बाद आए फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जिनके अंदर हमने लगाए माइक्रो प्रोसेसर। तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे, उनका जो टाइम पीरियड था वो 1939 से लेकर के 1954 था। सिमिलरली सेकंड जनरेशन के थे 1954 से 1959। फिर थर्ड जनरेशन, जिनके अंदर आईसी लगी थी, वो थे 1959 से 1971 के बीच में। और 1971 के बाद से जितने भी कंप्यूटर हैं, वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं, और उनके अंदर हम लोग लगाते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो चलिए अब जान लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू पी से। माइक्रो, जो हम लोग माइक्रोन जानते हैं, उसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोसेसर का हमने स्टार्टिंग लेटर पी लिया, ठीक है। तो आप लोग, जब भी मैं म्यू पी बोलूं, तो आप समझिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है, ठीक है। और आप लोग इवन नोट्स में पढ़ोगे तो वहां पे भी म्यू पी से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक। और इसका एक और नाम होता है एम पी यू, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे अब कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, और उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा और पूछूंगा कि आप बताइए उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर क्या माइक्रो प्रोसेसर प्रेजेंट रहता है। तो सबसे पहले नॉर्मल सीलिंग फैन, दूसरा आपका एलईडी, तीसरे आपके कंप्यूटर्स या बोलिए मोबाइल्स, ठीक है, और चौथे आपके ट्रैफिक लाइट। तो क्या इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमको सबसे पहली चीज, माइक्रो प्रोसेसर पहचान में आने चाहिए कि कहाँ कहाँ माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा आंसर है कि जिस चीज की आप लोग प्रोग्रामिंग कर सको, जिसके अंदर आप लोग प्रोग्रामिंग डाल सको, तो वो सारी की सारी चीजें हो जाएंगी माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है।
अब देखिए फॉर एग्जांपल जो आपके नॉर्मल फैन होते हैं सीलिंग फैन या बोलिए एलईडीज जो रहती हैं उनके अंदर क्या आप लोग किसी टाइप की प्रोग्रामिंग करते हो। मैं एक नॉर्मल एलईडी नॉर्मल फैंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पे आप कोई भी टाइप की प्रोग्रामिंग नहीं करते हो, तो इसलिए ये जो सिस्टम रहेंगे इनके अंदर कोई भी माइक्रो प्रोसेसर प्रेजेंट नहीं रहता है। अब हम बात करते हैं रिमोट्स की। बेसिकली आप टीवी का रिमोट ले लो फॉर एग्जांपल, या किसी एसी का रिमोट ले लो। सिमिलरली आपके मोबाइल फोन हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, ट्रैफिक लाइट्स हो गई, क्या इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं? तो आपका आंसर होगा यस, बिल्कुल लगे रहते हैं। कैसे? देखिए आपने टीवी रिमोट के अंदर एक बटन दबाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए एक बटन प्रेस की, तो ये कैसे अपने आप ही हो गया होगा? नहीं, आपने कुछ ना कुछ छोटी सी प्रोग्रामिंग करी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं मोबाइल की। तो आप लोग मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप खोलते हो, मैसेज टाइप करने लग जाते हो, दूसरे तक वो सारी चीज़ें पहुंच जाती हैं, कैसे हो जाता है? क्या कंप्यूटर ये सारी चीज़ें जानता है? ऐसा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ सिस्टम लगा होगा जिससे ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर ट्रैफिक सिग्नल्स की बात की जाए तो वहाँ पे जो भी आपका रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर होता है, वो सारी की सारी चीज़ें कैसे हो रही होंगी? तो फ्रेंड्स, उनके अंदर भी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग का पार्ट इन्वॉल्व है। तो आप लोग हमेशा याद रखिए कि जब किसी भी सिस्टम के अंदर प्रोग्रामिंग चीज़ को इन्वॉल्व कर दिया जाए, तो मान के चलिए उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप लोग ने लैपटॉप परचेस किया होगा तो उस टाइम पे आपने i3, i5 या i7 के बारे में कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना होगा, ठीक है, या कोर डुओ के बारे में सुना होगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हैं क्या? यही सारी चीज़ें हैं आपकी माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपके i3, i5, i7 प्रोसेसर हैं, ये सारे के सारे लेटेस्ट प्रोसेसर हैं, ठीक है। लेकिन जब 1970s में पहली बार माइक्रो प्रोसेसर आया था, तो उस टाइम पे इस टाइप की टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उस टाइम पे बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर आए। तो पहला जो आपका माइक्रो प्रोसेसर था वो आपका 4004 था, वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर ऐसे बहुत ढेर सारे माइक्रो प्रोसेसर डेवलप होते गए, फिर आपका एक माइक्रो प्रोसेसर आया 8080। लेकिन इस 8080 की बात की जाए तो ये भी बहुत क्लोज था, ऑलमोस्ट टारगेट तक पहुंच गया था, लेकिन इसके अंदर भी कुछ कमियां आ गई। फॉर एग्जांपल वोल्टेज स्टेबिलिटी की यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी। हम लोग को इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लो कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम आई। तो ये कॉमर्शियली इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, या बोलिए सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट कॉमर्शियली सक्सेसफुल माइक्रो प्रोसेसर था वो था 8085। फ्रेंड्स, यही 8085 हमारे सिलेबस के अंदर है और इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ चुके हैं। और 8085 का जो आर्किटेक्चर का पार्ट था, यानी उस 8085 के माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो जो पार्ट्स लगे हुए थे, उन्हीं की स्टडी हम लोग कवर करते हैं आर्किटेक्चर वाले पार्ट में, और वही सारी चीज़ें एग्जाम के अंदर आई थी। तो फ्रेंड्स, उन सारे कंपोनेंट्स में जाने से पहले हमारे सारे बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि सारी चीज़ें हो क्या रही हैं, एज एन ओवरऑल हमको पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ इन सारी चीज़ों को सीखते चलो और नोट डाउन जरूर करो, क्योंकि यहाँ से आपका जब बेस बन जाएगा तो आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट कॉमर्शियली सक्सेसफुल प्रोसेसर था वो 8085 था और इसको डेवलप किया था इंटेल ने। लेकिन फ्रेंड्स, ये भी इतना पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर नहीं था, तो इसके लिए हम लोग को फिर से एक नए प्रोसेसर की डिजायर हुई, ठीक है। तो उसके बाद इंटेल के साथ IBM मर्ज हुआ और उसने एक नया प्रोसेसर बनाया 8086। ये काफ़ी शानदार प्रोसेसर था। और उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, बहुत ढेर सारे प्रोसेसर डेवलप होते गए। फिर एक आया प्रोसेसर आपका पेंटियम प्रोसेसर, और ये जो पेंटियम प्रोसेसर्स आए, ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसेसर थे। इनके आने के बाद से कंप्यूटर के अंदर हम लोग इंटरटेनमेंट का पर्पस भी सॉल्व करने लग गए। पहले तक कंप्यूटर के अंदर आप लोग किसी भी टाइप का गेम नहीं खेल सकते थे, कोई मूवीज नहीं देख सकते थे, लेकिन जब कंप्यूटर के अंदर पेंटियम प्रोसेसर आ गया तो वहां से कंप्यूटर की फील्ड में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया। अब हम लोग कंप्यूटर को एज एन इंटरटेनमेंट पर्पस भी यूज करने लग गए, ठीक है। अब देखिए, पेंटियम प्रोसेसर के बाद फिर से और ढेर सारे प्रोसेसर आए, और जो लेटेस्ट प्रोसेसर अभी चल रहा है वो है i7, और इस i7 के अंदर भी ढेर सारी जनरेशन है, ठीक है।
तो उसके बारे में हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों में से कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी लेटेस्ट प्रोसेसर i7 है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं आपके 8085 प्रोसेसर से, तो इतना पुराने प्रोसेसर को हम लोग क्यों जान रहे हैं या उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो चलिए इसको जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि अगर आप लोग को लेटर्स की नॉलेज नहीं रहेगी, आप लोग को वर्ड्स की नॉलेज नहीं रहेगी, तो आप लोग किसी एप्लीकेशन को, किसी पोएम को कैसे लिख पाओगे? सेम चीज़ होती है टेक्नोलॉजी के साथ। जो भी आपकी रिसेंट टेक्नोलॉजी चल रही है उसको जानने के लिए आपको जब वो टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई होगी, यानी जो इसका बेस रहा होगा, जहाँ से सारी टेक्नोलॉजी डेवलप होनी स्टार्ट हुई है, अगर आपको वो नहीं पता है तो आप लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को कैसे समझ पाओगे? ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को i7 अगर प्रोसेसर को समझना है तो उसके लिए हमें 8085 प्रोसेसर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उस 8085 प्रोसेसर के अंदर हम लोगों ने डेवलपमेंट किया था, कुछ चेंजेस किए थे, और चेंज करते 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 हम लोग इस i7 जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पर आ पाए हैं। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स, ये जो आपके 8085 प्रोसेसर हैं, इनके वेरिएंट आज भी बहुत जगह यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके ट्रैफिक लाइट, या फिर आपके बोलिए रिमोट कंट्रोल, इवन आपका जो टीवी रिमोट होगा उसके अंदर भी हम लोग i7 टेक्नोलॉजी नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग i7 टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? तो बहुत सिंपल सा रीजन है, जब आपको लेट से एक पेन परचेस करना है, ठीक है, और पेन की कॉस्ट 10 रुपीज से लेकर 1000 रुपीज तक वेरी कर रही है, तो आप कौन सा पेन परचेस करोगे? नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, कोई सिंपल सा राइटिंग पर्पज के लिए आपको पेन लेना है तो कौन सा पेन लोगे? तो सिंपल सी बात है, आप प्रिफर करोगे 10 रुपीज़ का पेन। ठीक है, तो सेम चीज़ होती है प्रोसेसर के साथ। जब आपका काम लो प्रोसेसर में हो जा रहा है, या जो आपके पुराने प्रोसेसर हैं उनसे अगर आपका काम हो सकता है, तो आप लोग लेटेस्ट प्रोसेसर की तरफ क्यों स्विच करना चाहोगे? ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। सेंट्रल में है आपका म्यूपी, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड हैं आपके मेमोरी स्टोरेज, फिर माइक्रो प्रोसेसर से ही कनेक्टेड हैं आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, IO, आई का मतलब इनपुट, ओ का मतलब आउटपुट। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर से, और आप लोग जब एज अ होल देखोगे तो आपको एक कंप्यूटर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी आपके म्यूपी, मेमोरी स्टोरेज और आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनको आप कंबाइन कर लोगे तो आपको कंप्यूटर एक मिल जाएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जिस किसी सिस्टम के अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, या किसी सिस्टम के अंदर अगर प्रोग्रामिंग अवेलेबल है, तो इसका मतलब है कि उस सिस्टम के अंदर कोई ना कोई माइक्रो प्रोसेसर या कोई ना कोई माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल होगा। ठीक है, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग जब कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लेट्स ए कीबोर्ड से आपने कुछ लेटर टाइप किए, तो आपको क्या लगता है कि जो आपने लेटर टाइप किए उससे क्या प्रोग्राम रन हो जा रहा है? तो आपका आंसर होगा नो। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन मैं आपसे फिर से पूछता हूं कि जो भी आप प्रिंटर से प्रिंट निकालते हो, तो आप तो सिर्फ प्रिंट का बटन दबाते हो, तो क्या प्रिंट का बटन दबा देने से अपने आप सारी चीजें हो जा रही हैं? क्या प्रिंटर खुद ही प्रिंट निकाल ले रहा होगा? तो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी आपके कीबोर्ड हो गए या माउस हो गए, ये लोग प्रोग्राम को रन नहीं करते हैं। सिमिलरली, जो आपके प्रिंटर प्रिंट निकाल रहा है, ये खुद अपना डिसीजन नहीं ले रहा है। तो डिसीजन मेकर कौन है? डिसीजन मेकर है आपका CPU या मदरबोर्ड के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर प्रेजेंट है वो। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर या फिर माइक्रो कंट्रोलर, मैंने पहले ही कहा है, हम लोग अभी दोनों चीज़ों को एक मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर डिसीजन मेकर की बात की जाए, तो डिसीजन मेकर होता है म्यूपी, जस्ट लाइक आर माइंड। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा ब्रेन है वो डिसीजन मेकर होता है, सिमिलरली अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, या बोलिए किसी भी मोबाइल सिस्टम के अंदर, या कोई भी आप मेकाट्रॉनिक सिस्टम ले लो, उसके अंदर जो भी डिसीजन मेकर रहेगा वो रहेगा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपको ये पर्टिकुलर डायग्राम जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में बनाया है वो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड है आपका मेमोरी, और माइक्रो प्रोसेसर से ही कनेक्टेड है आपका IO, IO का मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो अब हम लोग मेमोरी की बात करते हैं। तो मेमोरी की बात की जाए, तो जो आपके पेन ड्राइव्स होते हैं, हार्ड डिस्क होते हैं, जिसके बारे में आपने सुना हुआ है, और इन हार्ड डिस्क से पहले होते थे CD, DVD, फ्लॉपीज, तो ये पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी क्या थी?
जो आपके रैम और रोम होते हैं ये हैं आपकी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो अब बात करते हैं रैम की। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये जो मेमोरी होती है वो टेम्परेरी होती है। ठीक है, ये परमानेंट नहीं होती है। जैसे ही आप लोग अपना पीसी या बोलिए लैपटॉप शट डाउन करोगे तो ये मेमोरी इरेज हो जाती है सिस्टम के अंदर से, माइक्रो प्रोसेसर के पास से ये मेमोरी हट जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं रोम की। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये जो आपके रोम होते हैं ये परमानेंट होते हैं, इनकी जो मेमोरी होती है वो परमानेंट होती है, और इनको मैन्युफैक्चरर सेट करके देता है। फ्रेंड्स, जो भी आपके रैम और रोम के टाइप्स हैं वो आप लोग कवर कर लेना, हो सकता हो कोई क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। ठीक है, और ये ऑलरेडी हम लोग ने 10th 12th में पढ़ा हुआ होता है, तो प्लीज़ आप लोग इसको कवर कर लो। जो भी इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप लोग कवर कर लो। ठीक है, और जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो आप लोग बहुत अच्छे से कवर कर लो। जितने भी प्रिंटर्स के टाइप होते हैं ये भी कवर कर लो, क्योंकि प्रिंटर से आई थिंक एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग अगर ये सारी चीज़ें पढ़ के रखोगे तो बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो भी हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो हम लोग पढ़ेंगे आने वाले दिनों के अंदर, तो उसके अंदर जिस मेमोरी की बात हम लोग करेंगे वो आपकी रैम रोम रहेंगी। ठीक है, पहले के समय में ये आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है, जो पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, ये सारी चीज़ें नहीं आई हुई थी। ठीक है, तो इस चीज को कभी भी आप लोग वहां पे कोरिलेट करने की कोशिश मत करना। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि जो भी सेकेंडरी मेमोरी है ये सारी की सारी हम लोग 8085 सिस्टम के टाइम पे नहीं पढ़ते थे, और वहां पे इनका कोई भी रिलेशन नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेमोरी का फंक्शन क्या होता है। तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि मेमोरी का फंक्शन है स्टोर करना। क्या चीज स्टोर करना? स्टोर बेसिकली जो आपके मेमोरी होते हैं वो दो टाइप की चीजें स्टोर करते हैं, पहला प्रोग्राम, दूसरा डेटास। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये प्रोग्राम और डेटास क्या चीज होती हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी एप्लीकेशंस हम लोग यूज करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, वो सारी की सारी चीजें हो गई प्रोग्राम। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम लोग एक व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप एक प्रोग्राम है, और उस व्हाट्सएप के अंदर जो भी चीज़ें, जो भी फाइलें हम लोग शेयर करते हैं, या इवन आप लोग हाय लिख के भेजते हो, तो वो क्या है? वो एक डेटा है। ठीक है, तो जितनी फाइलें हम लोग यूज करते हैं किसी एप्लीकेशंस के अंदर वो हो गई डेटाज, और जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं या जो भी पर्टिकुलर ऐप यूज कर रहे हैं वो हो गए प्रोग्राम। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर स्टार्टिंग में रैम के बारे में बताया है। तीन टाइप की रैम है, स्टैटिक रैम जिसको एस रैम से रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलरली आपकी डायनेमिक रैम जिसको डी रैम से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर होता है एच डी रैम। एच डी रैम का फुल फॉर्म स्टैटिक डायनेमिक रैम नहीं है, इसका फुल फॉर्म है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। तो फ्रेंड्स आप लोग इन तीनों टाइप के रैम को बहुत अच्छे से पढ़ लो, हो सकता हो कोई क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग में या किसी स्टेटमेंट के फॉर्म में इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ जाए। ठीक है, तो देखिए स्टैटिक रैम के अंदर लगे रहते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। अब फ्लिप फ्लॉप्स क्या चीज़ होती हैं? जो भी आपके नॉर गेट होते हैं, नैंड गेट आपने पढ़ा होगा, तो यही सारी चीज़ों का एक कलेक्शन होता है। ठीक है, मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ। सिमिलरली अगर डायनेमिक रैम की बात की जाए तो डायनेमिक रैम के अंदर लगे रहते हैं कैपेसिटर्स, और कैपेसिटर्स बहुत छोटे छोटे से लगे रहते हैं, और इनका क्या काम रहता है? इनका काम रहता है जो आप सिग्नल्स भेजते हो 1010, इनको ट्रांसफर करने का काम रहता है इन कैपेसिटर्स का। ठीक है, और आपको क्या लगता है कौन सा इनमें फास्ट रहता होगा? डायनेमिक रैम फास्ट रहता होगा या स्टैटिक रैम? तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि डायनेमिक रैम के अंदर लगे होते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज होने डिस्चार्ज होने में लगेगा टाइम। ठीक है, तो इसीलिए डायनेमिक रैम होती हैं स्लो, स्टैटिक रैम होती हैं फास्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स जितना भी स्टैटिक और डायनेमिक रैम से इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी कि स्टैटिक रैम थोड़े फास्ट रहते हैं इन कंपैरिजन विद डायनेमिक रैम, जबकि डायनेमिक नाम से आपको लगेगा कि डायनेमिक रैम फास्ट होती है, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लो कि डायनेमिक रैम के अंदर कैपेसिटर्स लगे रहते हैं, उनको चार्जिंग डिस्चार्जिंग में लगेगा टाइम, तो वो थोड़े से स्लो होते हैं इन कंपेरिजन विद स्टैटिक रैम। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मैं फिर से आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जब आप लोग फोटो क्लिक करते हो मोबाइल से तो आपकी एग्जैक्टली सेम फोटो कैसे गैलरी स्टोर में जाके स्टोर हो जा रही है, या सेम फोटो जो आपने अपनी खींची वो एग्जैक्टली सेम कैसे आपको नजर आ रही होगी? कैसे ये आपका माइक्रो प्रोसेसर जज कर लेता है सारी चीजें, वो कैसे पकड़ ले रहा है? जबकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो ये कंप्यूटर्स होते हैं इनको सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझ में आती है, तो ये कैसे इमेज आपकी बना दे रहे हैं सिर्फ इन 0 और 1 से?
कभी आपने इसको सोचा? तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि जैसे आप लोग मोबाइल स्क्रीन से अपनी फोटो क्लिक करते हो, तो उस मोबाइल स्क्रीन के अंदर ढेर सारी छोटे छोटे ग्रिड्स होते हैं, ठीक है। उस स्क्रीन के अंदर बहुत ढेर सारे छोटे छोटे रेक्टेंगुलर ग्रिड्स होते हैं, आप लोग देख सकते हो मैंने बनाया हुआ है, और इन छोटे छोटे रेक्टेंगुलर ग्रिड्स को हम लोग बोलते हैं पिक्सल। तो फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो हर एक पिक्सल का अपने पास कलर स्टोर कर लेता है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि आपने लेट से अपने फेस की एक इमेज क्लिक की, तो आपके फेस में कितने कलर होते होंगे? नॉर्मली हम लोग 15 कलर जो रहते हैं, 15 16 कलर, वही जानते हैं, रेड पिंक येलो। तो क्या सिर्फ इतने ही कलर रहते हैं हमारे फेस में? नहीं फ्रेंड्स, डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर हमारे फेस के अंदर प्रेजेंट हैं, और उन सारे के सारे शेड्स को कैसे ये आपका म्यूपी जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कैसे स्टोर कर लेता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को पता है कि जो भी मशीन्स होती हैं, जो भी कंप्यूटर्स होते हैं, उनको सिर्फ जीरो और वन समझ में आता है, ठीक है। उनको जीरो और वन सिर्फ और सिर्फ समझ में आते हैं। तो अब इन जीरो और वन से कैसे हम लोग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ शेड्स को, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स को जनरेट कर सकते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो ये मेकाटोनिक सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अंदर 2 की जो पावर होती है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इवन जब आप लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन में कभी भी फंसोगे, तो वहां पे 2 की पावर के जो फैक्टर हैं वो बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पे भी जो पावर ऑफ 2 है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। देखिए कैसे, सबसे पहले 2 की पावर 1 कीजिए, तो जो यहां पावर में है, यानी कि 2 की पावर 1 किया, तो जो 1 है ये हो गया 1 बिट, ठीक है। और ये 1 बिट का मतलब क्या होता है, 1 वर्ड लेंथ। जो भी आप नाम लिखते हो, लेट से रैम लिखा आपने, RAM, तो इसके अंदर कितने लेटर हैं? 3 लेटर है ना। तो कंप्यूटर के अंदर जब हम लोग बिट की बात कर रहे हो, तो ये टोटल 3 बिट हो गई, 3 लेटर है RAM, तो ये 3 लेटर क्या हो गए, 3 बिट हो गए, ठीक है। तो इसी वे में हम लोग समझ रहे हैं, जो आपका 1 बिट है, तो 1 बिट जब हमने 2 की पावर में किया, 2 की पावर 1, तो आंसर आया हमारा 2। तो इससे क्या मतलब निकला, इससे सिर्फ इतना मतलब निकला कि जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर स्टोर करने की कैपेसिटी है, ठीक है। यानी कि 1 बिट के अंदर हम 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर रख सकते हैं, आइदर ब्लैक और व्हाइट। लेट से 0 का मतलब ब्लैक, 1 का मतलब व्हाइट, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ 2 सेट्स या 2 कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं कलर्स के। तो 1 बिट में मैंने बताया, 1 बिट का मतलब होता है 1 वर्ड लेंथ, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक लेटर आने वाला है, तो आपके पास कॉम्बिनेशन हो गए 2, तो उन 2 कॉम्बिनेशन में कोई एक ही आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं 2 बिट सिस्टम की। तो मैंने बताया पावर ऑफ 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 2 की पावर 2 करोगे तो हो जाएंगे 4 कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ये 4 कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, जब हम लोग 4 कॉम्बिनेशन लिखने गए, तो हमको मालूम है सिर्फ 0 और 1 से हम लिख सकते हैं, और 2 बिट का मतलब क्या था, 2 बिट का मतलब था कि सिर्फ 2 लेटर हम लोग लिख सकते हैं। तो कौन कौन से 2 लेटर हो गए, 00, 01, 1011, यही 4 कॉम्बिनेशन तो आप बना पाओगे। 2 डिजिट आपको फिल करनी है इन 2 स्पेस के अंदर, तो टोटल 0 और 1 से कितने कॉम्बिनेशन बना पाओगे, तो यही 4 कॉम्बिनेशन बना पाओगे। तो इन 4 कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि जो आपका म्यूपी है वो अपने अंदर 4 डिफरेंट कलर को स्टोर कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली जब हम लोग 3 बिट सिस्टम पे गए, तो 2 की पावर 3 किया तो हमें मिले 8 कॉम्बिनेशन, ठीक है। और 8 कॉम्बिनेशन में हम लोग 3 डिजिट को जब रिप्रेजेंट करेंगे 0 और 1 से, तो देखिए मैंने यहाँ पे टोटल सारे के सारे 8 कॉम्बिनेशन को लिख दिए हैं, 000, 001, 010, 100, 110, फिर 101, 011 और 111, ठीक है। तो ये टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बने। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम इन 8 कॉम्बिनेशन के अंदर 8 डिफरेंट डिफरेंट कलर स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली 4 बिट के अंदर गए तो 16 कॉम्बिनेशन मिले, फिर ऐसे हम 16 बिट पे गए तो 2 की पावर 16 कॉम्बिनेशन मिले, ये कितने हो गए, अराउंड 64K कॉम्बिनेशन। आप सोच सकते हो कि 64K कॉम्बिनेशन कितने ढेर सारे हो गए, ऑलमोस्ट आपके जितने भी कलर वेरिएशन होंगे वो इनके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने 16 बिट सिस्टम की हेल्प से 64K कॉम्बिनेशन ऑफ कलर सेट्स डेवलप कर लिए, और इन कलर्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल के अंदर स्टोर कर दिया। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जिस ऑब्जेक्ट की हम इमेज ले रहे थे, तो उसके अंदर भले ही कितने कलर प्रेजेंट हों, ये पर्टिकुलर पिक्सल्स की हेल्प से हम लोग उस इमेज को अच्छे से अपने पास निकाल सकते हैं, या बोलिए स्टोर कर सकते हैं।
ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग ने 16 बिट सिस्टम की हेल्प से 64K कॉम्बिनेशन ऑफ कलर सेट्स डेवलप कर लिए और इनकी हेल्प से हम लोग ने डिफरेंट पिक्सल्स के अंदर कलर्स को स्टोर कर लिया। अब आप जो इमेज, जिस ऑब्जेक्ट की इमेज खींचने वाले हो, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर भले ही कितने कलर हो, वो सारे के सारे कलर कवर्ड हो जाएंगे इन पिक्सल्स के अंदर जो कलर हैं उनकी हेल्प से, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितना कलरफुल आपकी इमेज रहेगी, जितने ढेर सारे कलर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, तो ये पिक्सल्स उतने ढेर सारे कलर को स्टोर करेंगे अपने पास। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो आपकी इमेज की साइज है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे इमेज का साइज बढ़ता जाएगा तो इसको स्टोर हम करेंगे तो हमारा जो स्टोरेज एरिया है वो कम होता चला जाएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो भी आप इमेज क्लिक कर रहे हो वो भले ही HD क्वालिटी की हो, लेकिन वो है क्या, वो सिर्फ 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है। वो डेवलप हुई है किससे, सिर्फ 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो जब भी आप लोग नेक्स्ट बार इमेज क्लिक कीजिएगा तो हमेशा ये सोचिएगा कि ये सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होने जा रही है। तो फ्रेंड्स इमेज क्लिक करने के बाद कैसे सारी चीजें स्टोर हो रही हैं ये हमें समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं वीडियो की। तो वीडियो क्या होता है फ्रेंड्स, वीडियो के अंदर जो चीजें हमें दिख रही होती है ना, वो सारी की सारी इमेज की कॉम्बिनेशन है। हर एक इंस्टेंट पे जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इमेज को क्लिक कर रहा होता है और उन सारी इमेज को इतनी स्पीड से हमारे सामने रिप्रेजेंट किया जाता है या इतनी तेजी से उस रेट से सारी इमेज दिखाई जा रही होती हैं कि हमारी आंखें उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती हैं और हमको लगता है कि सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं तो उसके अंदर हर एक इंस्टेंट पे इमेज क्लिक हो रही है और ये सारी की सारी इमेज स्टोर होते चली जाती है और फाइनली एट द एंड ऑफ टाइम हमको पता पड़ता है कि जो वीडियो होता है उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर इमेज से कंपेरिजन करोगे तो वीडियो के साइज हमेशा बहुत हाई होते हैं और उसके हाई होने का रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि वहां पे हर एक इंस्टेंट पे इमेज क्लिक हो रही होती है, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स वीडियो के अंदर जो ऑडियो रहता है या बोलिए जो वॉइस रहती है वो भी 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होती है। तो ये भी एक कारण है कि जो हमारा वीडियो का साइज रहता है वो इंक्रीज होते चला जाता है। रैम के बारे में ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया है, यही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो फ्रेंड्स अब आप लोग राइट हैंड साइड में जो मैंने डायग्राम बनाया है उसको देखो, सेम वही डायग्राम है जो हम लोग ने स्टार्टिंग से पढ़ना चालू किया था। माइक्रो प्रोसेसर, उससे कनेक्टेड है मेमोरी और उससे कनेक्टेड है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो जो भी आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो भी आपकी मेमोरी हैं, ये आपस में कनेक्टेड नहीं होती, ना ही इनपुट आउटपुट मेमोरी से कनेक्ट है ना ही मेमोरी इनपुट आउटपुट से कनेक्ट है डायरेक्टली। ये किससे कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड हैं म्यूपी से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरी और इनपुट आउटपुट आपस में कंट्रोल नहीं कर सकते, ये दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करने वाले हैं। इन दोनों को कंट्रोल कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ म्यूपी यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग को ऑलरेडी पता है कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो भी चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं या बोलिए जो भी चीज़ें मेमोरी में स्टोर हो रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें 0-1 के फॉर्म में रहती हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। लेट से आपने व्हाट्सएप के अंदर हाई लिख के भेजा या कोई भी डिवाइस के अंदर आपने किसी भी टाइप का इनपुट दिया। हमने यहाँ पे बात की है हाई लिख के भेजने की, आप लोग कुछ भी लिखते हो, इवन आप लोग कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिख रहे होते हो, वो सारी की सारी चीज़ें स्टोर होती हैं जाके मेमोरी में। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि जो भी चीज़ आप टाइप करोगे, जो भी चीज़ आप लिखोगे, वो सारी की सारी चीज़ें स्टोर होती हैं मेमोरी में। अब मेमोरी में किस फॉर्म में स्टोर होंगी हमें मालूम है, मेमोरी के अंदर 1-0 के फॉर्म में स्टोर होने वाली है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 1-0 के अंदर ये सारी चीज़ें स्टोर होने वाली हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि आपने तो लिखा हाय, तो वो चीज़ कैसे 1-0 फॉर्म में स्टोर हो रही होगी। तो फ्रेंड्स देखिए दो टाइप की लैंग्वेज है आपके पास, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। तो बात की जाए हाई लेवल लैंग्वेज की, तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर रहते हैं। कंपाइलर क्या करेंगे, कंपाइलर जो आपने मैसेज टाइप किया उसको तुरंत 1-0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और ये 1-0 फॉर्म कन्वर्ट होके स्टोर हो जाते हैं मेमोरी में, ठीक है। अब जो भी आपकी असेंबली लैंग्वेज होती हैं उनके अंदर लगे रहते हैं असेंबलर। असेंबलर क्या करेंगे, असेंबलर कन्वर्ट करेंगे मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज क्या है, 0-1, ठीक है, और ये सारी चीज़ें स्टोर हो जाएंगी मेमोरी में। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। अब फ्रेंड्स आप लोग सबसे नीचे जो मैंने डायग्राम बनाया है उसको देखो। तो मैंने आपको बताया कि आपने जो भी इनपुट लिखा, लेट से हाई लिखा, तो वो सारी की सारी चीज़ें मेमोरी में आके एक नंबर के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगी, ठीक है।
अब माइक्रो प्रोसेसर उससे क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर उससे जितने भी ये 10 फॉर्म में इनपुट आपने दिया है उसको फेच करेगा, अपने पास रीड करने के लिए उसको फेच करेगा। इस पर्टिकुलर वर्ड को याद कर लो आप लोग, फेच बोलते हैं, ठीक है। जो भी डिटेल माइक्रो प्रोसेसर निकालता है मेमोरी से वो सारी की सारी चीजें होती हैं फेच करना। और फेच किसे कर रहा है, फेच कर रहा है ऑपकोड को, ठीक है। जो भी ये 10 के फॉर्म में चीजें प्रेजेंट होती हैं इसको बोलते हैं हम लोग ऑपकोड, ठीक है। जब हम लोग मेमोरी से इन सारी चीजों को फेच कर रहे होते हैं तो इन सारी चीजों को हम लोग बोल रहे होते हैं ऑपकोड। इस चीज को बहुत अच्छे से याद कर लो, ऑपकोड का मतलब क्या होता है, ऑपरेशनल कोड। जो भी आपने इनपुट दिया है वो सारी की सारी चीजें मेमोरी में स्टोर होंगी 1001 के फॉर्म में, और जब माइक्रो प्रोसेसर इसको फेच करेगा तो वो ऑपकोड फॉर्म में फेच होकर के म्यूपी के पास आती हैं, ठीक है। पर्टिकुलर वर्ड को बहुत अच्छे से याद करो क्योंकि ये सारे टर्म्स यूज होने वाले आगे, ठीक। अब क्या होगा, अब ऑपकोड तो उसने फेच कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि इन कोड को वो अंडरस्टैंड करे कि ये चीजें हैं क्या। तो जैसे अंडरस्टैंड करेगा तो उसके बाद वो डिकोड करेगा जो भी चीजें लिखी हैं, उसके बाद वो डिकोड करना चालू करेगा कि लेट से 4 कॉम्बिनेशन ऑफ कलर थे जो हमने 2 बिट के अंदर पढ़ा था, 4 कॉम्बिनेशन 00 01 10 11, तो इनमें से कौन सा कोड का मतलब क्या है इस चीज को अनकोड करेगा, ठीक, या बोलिए डिकोड करेगा। और डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूशन करेगा जो भी चीज की रिक्वायरमेंट थी, यानी कि फाइनल डिसीजन जो लेने का काम है वो चीज परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर का क्या काम है, माइक्रो प्रोसेसर का पहला काम है फेच द ऑपकोड, दूसरा काम है डिकोड करना, ठीक है। जो भी चीजें उसने ऑपकोड के फॉर्म में फेच की हैं इसको डिकोड करेगा कि हर एक चीज का, हर एक ऑपकोड का मतलब क्या है, ठीक है, तो इसको डिकोड करेगा। और तीसरा काम है एग्जीक्यूशन करना कि अब हमें क्या डिसीजन लेना है, क्या चीज परफॉर्म करनी है, उसी को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ये तीनों टर्म्स याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेचिंग द ऑपकोड, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पूरे माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो भी नंबर सिस्टम हम लोग यूज करते हैं वो होते हैं हेक्सा डेसिमल नंबर। इसको डबल स्टार मार्क करके आप लोग नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग हमेशा हेक्सा डेसिमल नंबर कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं, या बोलिए माइक्रो प्रोसेसर के अंदर यूज करते हैं। अब प्रैक्टिकल लाइफ की बात की जाए, जो हम लोग नॉर्मल लाइफ अपनी जी रहे हैं इसके अंदर हम लोग डेसिमल नंबर को यूज करते हैं, ठीक है। 01 से 0 से लेकर 9 तक हम लोग जाते हैं और इन्हीं के डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम लोग डेसिमल नंबर यूज करते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स के अंदर हम लोग हेक्सा डेसिमल नंबर यूज करते हैं। तो अब क्यों यूज करते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो भी चीजें कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती हैं, जो भी चीजें माइक्रो प्रोसेसर के अंदर स्टोर होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होती हैं। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। अब 1 बिट सिस्टम में जब हम लोग कलर के बारे में जान रहे थे तो हमने 2 की पावर 1 किया था, ठीक है। तो इसमें पावर में जो टर्म था, यानी कि जो 1 है, वो हो गया 1 बिट सिस्टम। 1 बिट का मतलब हमने क्या सीखा था, 1 बिट का मतलब हमने समझा था कि हम लोग कोई एक लेटर ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं, बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1। एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर हम लोग सिर्फ 0 या फिर 1 को स्टोर कर सकते हैं, ठीक। ये था आपका 1 बिट सिस्टम। फिर हम लोग स्विच किए थे 2 बिट सिस्टम के अंदर। 2 बिट सिस्टम के अंदर जो वर्ड लेंथ है वो हो गई 2, ठीक है। अब हमने 2 की पावर 2 किया तो हमें मिला 4। 4 का मतलब क्या है, टोटल 4 कॉम्बिनेशन हमने सेट किए थे, 00 01 10 11, ये टोटल 4 कॉम्बिनेशन थे, ठीक है। तो जब आप लोग किसी नंबर को रिप्रेजेंट करोगे, लेट से 00 को आपने 0 रिप्रेजेंट किया, 01 को 1 किया, 10 को 2 रिप्रेजेंट किया और 11 को 3 रिप्रेजेंट किया, अब 4 कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। 2 बिट सिस्टम के अंदर 4 कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो यहां पे आपको प्रॉब्लम आने लगी। फिर हम लोग ने 3 बिट सिस्टम की तरफ स्विच किया, ठीक है। तो 3 बिट सिस्टम के अंदर हमने 2 की पावर 3 किया तो हमको मिले टोटल 8 कॉम्बिनेशन, ठीक। 2 की पावर 3 करोगे तो रिजल्ट आएगा 8, और टोटल हम 8 नंबर्स को अब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो नंबर कौन कौन से होंगे, 0 से लेकर 7 तक, यानी कि जो 3 बिट सिस्टम से 3 वर्ड लेंथ से सारी चीजों को हम रिप्रेजेंट करेंगे। 000 को हमने 0 से रिप्रेजेंट किया, 001 को हमने 1 से रिप्रेजेंट किया, ऐसे ही जब रिप्रेजेंट करते करते 111 तक हम पहुंचेंगे तो हम मैक्सिमम 7 नंबर को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। लेकिन डेसिमल सिस्टम के अंदर अगर आप बात करोगे तो वहां पे तो नंबर रहते हैं 0 से लेकर 9 तक और उसका बेस होता है 10, तो 8वां और 9वां नंबर जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तब आपको प्रॉब्लम आने लगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्विच करना पड़ा 4 बिट सिस्टम के अंदर, ठीक। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि 3 बिट सिस्टम के अंदर आप लोग
दो ऐसे लेटर थे या नंबर थे जिसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, 8 और 9। और इस 8 और 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 4 बिट सिस्टम के अंदर स्विच करना पड़ा। तो देखिए 4 बिट सिस्टम के अंदर क्या होगा, 2 की पावर 4 कर दो, क्या मिला 16। 16 कॉम्बिनेशन आप अब डिफरेंट डिफरेंट सेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख लो मैंने यहां पे बनाया हुआ है, लिटरली एक एक चीज लिखी हुई है 0 से लेके 15 तक। टोटल 16 नंबर है, 0 से 15 तक आप मूव करोगे, ठीक। तो आप देखो 3 बिट सिस्टम के अंदर भी मैंने दिखाया है कि 0 से 7 तक आप चले जाओगे, लेकिन 8 और 9 नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे अगर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हो। लेकिन 4 बिट सिस्टम के अंदर बहुत आसानी से आप लोग 0 से लेके 9 तक सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन अब 4 बिट सिस्टम में एक और प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई? तो देखिए जो डेसिमल नंबर सिस्टम था वो 0 से 9 तक कवर कर ले रहा था, सारी चीज़ें 0 से लेकर 9 तक के लिए डिफाइन हो गई थी डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए। लेकिन 9 के आगे आप आइए 10, 10 को 1010, 11 को 1011, फिर 15 में आ जाओ आप ऐसे 4 टाइम्स 1। तो ये सारी चीज़ें तो डेसिमल नंबर सिस्टम में थी ही नहीं, और 4 बिट सिस्टम के अंदर जो हमें 9 के आगे सारी चीज़ें मिल रही हैं, 10 से लेकर 15 तक की जो चीज़ें मिल रही हैं, इसका कोई भी यूज नहीं हो पा रहा था हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इससे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो मैक्सिमम नंबर हमें मिल सकता था वो क्या मिलेगा, आप खुद ही बताओ कि डेसिमल नंबर के अंदर जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन थे वो सिर्फ 4 टाइम्स 9 मिल सकते थे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर 9 हो सकता था, और 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, 4 टाइम्स 9 हो सकता है, ठीक। लेकिन जब आपने डेसिमल नंबर सिस्टम को हटा करके हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम यूज किया तो वहाँ पे बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। वहाँ पे हम लोग 10 से लेके जो 15 तक के नंबर्स थे उनको भी रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, उनको भी एक नई डेफिनेशन दे पा रहे थे। 10 को हमने बोला ए, 1010 को हमने डिफाइन कर लिया, उसको हमने बोला ए, फिर 1011 को हमने बोला बी, सिमिलरली 4 टाइम्स 1 को हमने बोला एफ, ठीक है। तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो भी नंबर हैं वो 0 से लेके 9 और ए से लेके एफ तक वेरी कर रहे थे, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यहाँ मिल रहा था 4 डिजिट का, जो मैक्सिमम नंबर हमें मिल रहा था वो था 4 टाइम एफ, ठीक। और यहाँ 4 टाइम एफ के कारण जो टोटल मैक्सिमम कॉम्बिनेशन डेवलप हुए वो थे हमारे 65,535, जबकि जो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर टोटल मैक्सिमम कॉम्बिनेशन मिल रहे थे वो थे 4 टाइम्स 9। तो आप खुद ही सोच लो, आपके पास सेम 4 डिजिट के अंदर एक जगह मिल रहे हैं 4 टाइम्स 9 कॉम्बिनेशन, एक जगह मिल रहा है 65,535। तो आप कौन सा चीज़ यूज करना चाहोगे? आप 4 बिट सिस्टम के अंदर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि आप लोग इतने ढेर सारे कॉम्बिनेशन अपने म्यूपी के अंदर स्टोर करवा सकते हो, ठीक है, अपने माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी के अंदर सारी चीज़ें स्टोर करवा सकते हो, जबकि डेसिमल के अंदर ये एक लिमिटेशन थी, इसीलिए आप लोग स्विच किए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की तरफ, ठीक है। फ्रेंड्स एक और छोटी सी ट्रिक मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ऑलरेडी आप लोग को पता ही होगी लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए आप लोग 2 की पावर लिखना चालू करो, सबसे नीचे में जो मैंने ब्लू कलर की लाइन के बीच में जो चीज़ें लिखी हैं उसको देखो, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है, आपने ऐसे लिखा तो 2 की पावर 0 का रिजल्ट आया 1, 2 की पावर 1 का रिजल्ट आया 2, 2 की पावर 2 का रिजल्ट आया 4, 2 की पावर 3 का रिजल्ट आया 8। अब मैं आपसे अगर बोलूं कि आप लोग 9 का मुझे बाइनरी फॉर्म बताओ तो आप लोग टेबल की हेल्प से बहुत आसानी से मुझे बता सकते हो। 9 के करस्पॉन्डिंग देखिए मैंने लिखा हुआ है 1001, ठीक है, लेकिन इसको सिंपली वे में, सिंप्लीफाइड वे में जब हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था, 2 की पावर 0 लिखो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और इसके नीचे जो वैल्यू है 1248 इसको लिख दिया। अब 9 कैसे मिलेगा आपको? ये 4 नंबर लिखे हैं 8421, 9 कैसे मिलेगा? 9 मिलेगा 8+1 करने से, ठीक है। तो अब 8 के सामने लिखो 1 और 1 के सामने लिखो 1, बचे हुए जो नंबर है वहाँ लिख दो 0। क्यों आप ऐसा कर रहे हो? 8+8 के सामने 1 क्यों लिख रहे हो, फिर 1 के सामने 1 क्यों लिख रहे हो? बहुत सिंपल सी चीज़ है फ्रेंड्स, देखिए आप लोग सिर्फ 8 और 1 का यूज कर रहे हो, 1 का मतलब हुआ ऑन, और बचे हुए जो चीज़ें हैं जिसका यूज नहीं कर रहे हो उसका मतलब हुआ ऑफ, ऑफ का मतलब हुआ 0, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग सिंप्लीफाई वे में इन सारे नंबर्स को लिख सकते हो। 5 की बात करो तो 5 के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? 4 और 1, तो 4 और 1 के जस्ट नीचे आप लिख दो 1 1, और बचे हुए जो नंबर है उनकी जगह लिख दो 0 0। तो 5 के करस्पॉन्डिंग जो हमें बाइनरी डिजिट मिलेगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 0101, ठीक है।
आप लोग जस्ट राइट हैंड साइड में डबल ब्लू लाइंस के बीच में जो कॉर्नर पे मैंने लिखा हुआ है 5, उसको देखो, 4 और 1 के समेशन से मिलेगा आपको 5, तो 4 के करस्पॉन्डिंग आपने लिखा 1, 1 के करस्पॉन्डिंग लिखा आपने 1, और बचे हुए जो डिजिट थे उनका यूज आपने नहीं किया तो वहां लिख दिया आपने 0, तो आप देखो आपको एक नया बाइनरी डिजिट दिख रहा होगा 0101, ठीक है। अब यहाँ पे 4 लेटर क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सारी चीज़ें जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 से लेके 15 तक, वो सारी की सारी 4 बिट में है, तो इसलिए 4 लेटर लिखना जरूरी है। अगर 3 बिट में होती तो आपको 3 बिट में ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ता, ठीक है। फ्रेंड्स, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप लोग सिंपली वो फैक्टर वाला जो मेथड था उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। आप लोग डायरेक्टली 2 से डिवाइड करो 9 को, और फिर आपको वो फैक्टर मेथड जो बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करने का होता था वो ऑलरेडी आपको आता होगा। तो फ्रेंड्स, आपने इस पर्टिकुलर पूरी स्लाइड के अंदर क्या क्या चीज़ सीखी। सबसे पहले आपने सीखा था कि सेम स्पेस के अंदर जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, वो टोटल आपको 65,000 कॉम्बिनेशन दे सकता है, जबकि जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम था वो मैक्सिमम 10 के कॉम्बिनेशन दे सकता था। इसीलिए हम लोग अपने नंबर सिस्टम में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज करने वाले हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग एच से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर लिखेंगे उसके आगे हम लोग एच लिखेंगे, ठीक। और दूसरी क्या चीज़ सीखी, दूसरी हम लोग ने एक सिंपल वे में कैसे बाइनरी डिजिट में लिख सकते हैं चीज़ों को, वो सीखा, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि हम लोग यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज करेंगे, और वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंप्यूटर के अंदर जा करके 0 और 1 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पिछले स्लाइड के अंदर कैसे एक हेक्साडेसिमल नंबर को हम लोग बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं वो ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन जब हम लोग प्रोग्राम लिख रहे होंगे, प्रोग्राम लिखते समय कभी भी हम लोग बाइनरी नंबर का यूज नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप लोग बाइनरी नंबर का यूज करोगे तो वो प्रोग्राम बहुत लेंदी नजर आने लगेगा, ठीक है। लेट्स से फ्रेंड, अगर आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है कि वो 9 जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसका यूज करे, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप लिखोगे 09H, ना कि आप ये लिखने जाओगे 1001, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको 03H लिखना है, यानी कि जो 03 हेक्साडेसिमल नंबर है उसका इनपुट अगर आपको प्रोग्राम में लिखना है तो हमेशा 03H लिखोगे, कभी भी आप लोग 0011 नहीं लिखोगे। बाइनरी डिजिट के अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग करते समय नहीं लिखते हैं, सो दैट प्रोग्राम बहुत कम्बरसम ना हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, ठीक है। तो हमेशा हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर का इसी तरीके से यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ने अभी तक हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर 0 से F तक जितने भी नंबर थे उनको बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख लिया है, लेकिन अगर आपके पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है 35, यानी कि 35H है अगर आपके पास, H का मतलब हो गया हेक्साडेसिमल, तो 35 हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे आप। तो देखिए, मैंने पिंक कलर से लिखा हुआ है 35H, और नीचे में एक लाइन आपको मार्क करी हुई है, तो वो मार्क देखिए कहाँ आ रहा है, जहाँ मैंने फैक्टराइजेशन किए हैं 35 के। तो इसी वे में हम लोग कन्वर्ट करते थे बाइनरी में, यही मेथड आपको याद होगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो मेथड है ना, ये डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन देता है, तो कभी भी आप लोग ये मेथड, यहाँ जितना भी मेकाट्रॉनिक सिस्टम की स्टडी हम लोग करने वाले हैं वहाँ पे ये मेथड बिल्कुल भी अप्लाई मत करिएगा, ठीक है। 0 से लेके 15 तक कैसे नंबर लिखे जाने हैं वहाँ पे ये मेथड तो आपका चल जाएगा, क्योंकि सेम प्रोसेस हो जाता है, इसलिए आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन। लेकिन उसके बाद अगर आप जाओगे तो वहाँ जाकर आपके मेथड गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 35 के लिए ये मेथड नहीं लगता है। हेक्साडेसिमल को अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हर एक डिजिट के करस्पॉन्डिंग आपको जो उसका बाइनरी नंबर है वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 35 का आपको बाइनरी में कन्वर्जन करना है, तो 35 में 3 के करस्पॉन्डिंग आप लोग बाइनरी डिजिट लिखो, फिर 5 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी डिजिट लिखो। तो देखिए, हमने 35H को किस तरीके से लिखा है। सबसे पहले 3 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी डिजिट क्या है, 0011। 5 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी डिजिट क्या होगी, 0101। तो आप लोग 3 के करस्पॉन्डिंग 4 लेटर लिख दिए 0011। क्यों कर रहे हो ऐसा, क्योंकि हम लोग 4 बिट सिस्टम करते हैं, जो भी चीज़ हम लोग हेक्साडेसिमल में डील करते हैं वो सारी की सारी 2 की पावर 4 में आती है, ठीक। ये ऑलरेडी पिछले स्लाइड्स में हम लोग जान चुके हैं। तो यहाँ पे इसीलिए 0011 आया 3 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी डिजिट, सिमिलरली 5 के करस्पॉन्डिंग आया 0101।
तो फ्रेंड्स आप लोग नीचे में देख सकते हो कि मैंने 5 के करस्पॉन्डिंग कैसे बाइनरी डिजिट के अंदर कन्वर्जन किया जाता है वो लिख दिया है, ठीक है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और इनके नीचे इसकी वैल्यू लिख दी। 2 की पावर 0 कितना होगा 1, 2 की पावर 1 का कितना होगा 2, फिर 2 की पावर 2 का 4 और 2 की पावर 3 का 8। अब आपको 5 का निकालना है बाइनरी डिजिट, तो 4 और 1 के नीचे आप लिख दो 1 1। क्यों? क्योंकि आपको इन दोनों का सम करने से 5 मिल रहा है, ठीक है। तो 4 के नीचे लिखा आपने 1, 1 के नीचे लिखा 1, और बचे हुए कौन नंबर्स थे 8 और 2, इनके करस्पॉन्डिंग आप लिख दो 0। और क्यों हम लोग सिर्फ 2 की पावर 3 तक जा रहे हैं? क्योंकि हम लोग 4-बिट सिस्टम यूज कर रहे हैं, ठीक है। 4-बिट सिस्टम का मतलब क्या था? 4-बिट सिस्टम का मतलब था कि हम लोग को जो अपने वर्ड लेंथ रखनी है वो 4 लेटर की रखनी है, 4 डिजिट की रखनी है, ठीक है। मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल रैम, रैम में कितने लेटर हो गए 3, तो क्या हो गया 3-बिट सिस्टम। सिमिलरली यहाँ पे जो भी हम लोग स्टडी करेंगे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर वो सारे के सारे 4-बिट सिस्टम रहते हैं, तो 4-बिट में कितने लेटर रहेंगे 4, तो इसलिए हम लोग जो भी नंबर लिखेंगे वो हमेशा 4 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर आप लोग 95 हेक्साडेसिमल के करस्पॉन्डिंग अगर बाइनरी में कन्वर्जन चाहते हो तो इसके लिए आपको 9 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी डिजिट लिखनी पड़ेगी, 5 के करस्पॉन्डिंग लिखनी पड़ेगी। तो टोटल ये जो 95 में देख रहे हो, 35 में देख रहे हो, तो टोटल कितने ये बाइनरी नंबर हैं अब गिनो। 4 3 के करस्पॉन्डिंग हो गए और 4 5 के करस्पॉन्डिंग हो गए, अगर हम 35H की बात कर रहे हैं। सिमिलरली जब हम लोग 95H की बात करेंगे तो 9 के करस्पॉन्डिंग 4 बिट्स हो गए और 5 के करस्पॉन्डिंग भी 4 बिट्स हो गए, तो टोटल कितने बिट्स हो गए? टोटल आप देखो 1001, 0101, तो ये कितने नंबर हैं, इनको काउंट करो तो आपको समझ में आएगा 8 नंबर है। तो इन 8 नंबर को बोलेंगे 8 बिट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था, जैसे 3 बिट के लिए मैंने क्या आपको एग्जांपल दिया था, मैंने बताया था 3 बिट के लिए रैम, रैम में कितने लेटर हैं 3 लेटर है, RAM 3 लेटर हुए। सेम चीज यहां पे भी हो रही है, क्योंकि 8 डिजिट्स हैं, या बोलिए 8 बिट्स हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि जब कभी भी मेकाट्रॉनिक सिस्टम के अंदर आप लोग 8-बिट वर्ड का यूज सुनोगे या इसका कहीं पे भी नाम सुनोगे, तो हमेशा सोचना कि जो भी 0 और 1 नंबर हैं ये टोटल 8 टाइम्स आए होंगे, ठीक है। ये 0 और 1 का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो टोटल 8 नंबर्स के बीच में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0 जो है वो 8 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स 0, 0000, फिर 0000। ये मैंने आपको सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है। ऐसे ही 0 और 1 कॉम्बिनेशन के टोटल 8 डिजिट होने वाले हैं। 8-बिट रजिस्टर का नाम सुन लीजिए, चाहे 8-बिट का नाम सुनिए या कहीं भी 8-बिट का नाम सुनिएगा, तो हमेशा यही इंटरप्रेट कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 के बाद यानी जो डबल एफ है उसके बाद जितने भी नंबर रहेंगे उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है बाइनरी डिजिट के अंदर, तो हमेशा एक एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हम लोग बाइनरी डिजिट को लिखेंगे और वहां से हमको मिलेगा 8-बिट नंबर। सिमिलरली अगर आप लोग को इस 35 की जगह कोई 4 डिजिट का नंबर मिल जाए, 4 डिजिट कौन सी हो गई, लेट से 1234, ये 4 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर हेक्साडेसिमल में है, तो इसको अगर आपको बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? आप करोगे 1 के करस्पॉन्डिंग 4 डिजिट लिख दो बाइनरी की, जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो क्या होती है, 0001, ठीक है। फिर 2 के करस्पॉन्डिंग ऐसे ही 4 डिजिट हो जाएगी, 3 के करस्पॉन्डिंग 4 डिजिट और 4 के करस्पॉन्डिंग 4 डिजिट। टोटल कितनी डिजिट हो गई आप काउंट करो, 4 4 टाइम्स आया, तो कितनी हो गई 16 डिजिट। तो फ्रेंड्स, पूरे मेकाट्रॉनिक्स में जब कभी भी आप लोग 16 बिट की बात सुनना या 16 बिट रजिस्टर की बात सुनना, तो 16 बिट से रिलेटेड कोई भी वर्ड सुनना, तो हमेशा यही सोचना कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट होने वाली हैं वो 16 रहेंगी, और वो कौन सी डिजिट रहेंगी, वो हमेशा बाइनरी डिजिट रहेंगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एज ए थंब रूल लिख दिया है कि जितने भी नंबर, जितने भी हेक्साडेसिमल नंबर डबल एफ यानी जो 15 नंबर है उसके आगे के रहेंगे, उनमें हर एक डिजिट के करस्पॉन्डिंग हम लोग बाइनरी नंबर लिखेंगे, और जब हम लोग हर एक डिजिट के करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर लिखेंगे तो हमको टोटल 8 बाइनरी नंबर मिलेंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं 8 बिट। लेकिन 15 के बाद कब तक, 16 से लेके 99 तक, 100 के लिए नहीं, 16 से लेके 99। अब खुद ही सोचो, 1 के करस्पॉन्डिंग 4, 6 के करस्पॉन्डिंग 4, ऐसे ही हर नंबर के करस्पॉन्डिंग 99 तक आपको 8 बिट मिलेगा। फिर आपको अगर 16 बिट नंबर की बात करनी हो या 16 बिट रजिस्टर की बात करनी हो, तो वहाँ पे टोटल
16 डिजिट रहने वाली है। तो 16 डिजिट आपको कब मिलेगी, जब आपके पास कोई 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है। 4 डिजिट का जब हेक्साडेसिमल नंबर रहेगा तो वहां पे आपको टोटल 16 डिजिट मिलेंगी, ठीक है। फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको इतनी बार इतनी डेप्थ में बार बार इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें आगे चलकर यूज होने वाली हैं, ठीक है। तो आप लोग इसी वे में समझो, इसी वे में अपने माइंड में स्टोर करो, तो ही आपके जो दिमाग में क्लैरिटी है वो बन पाएगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसीलिए मैं बहुत डेप्थ में सारी चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारी चीजों को लिख रखा है कि अगर कोई 8 बिट नंबर है, 8 बिट नंबर है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 बाइट। सिमिलरली 16 बिट नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड, ठीक है। सिमिलरली अगर 4 बिट है तो 4 बिट का मतलब हुआ 1 निबल। सिमिलरली आप लोग 1 ऑक्टेट या 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट। 1 किलोबाइट का मतलब होता है 1024 बाइट। सिमिलरली 1 मेगाबाइट यानी 1 MB का मतलब होगा 1024 KB। 1 गीगाबाइट इक्वल टू हो जाएगा 1024 MB। 1 टेराबाइट हो जाएगा आपका 1024 GB। 1 पेटाबाइट हो जाएगा 1024 TB। फ्रेंड्स, ये जितनी यूनिट्स हैं इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये भी चीज़ें पूछी जाती है, इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं क्योंकि इंटरनेट आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इंटरनेट में जो भी 1 GB होता है तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है। मैं जब IOCL का इंटरव्यू देने गया था तो मुझसे वहाँ पे एक मैडम थी, उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था कि 1 GB इक्वल टू कितना MB, ठीक है। तो हमेशा तैयार रहिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि पावर ऑफ टू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे मेकाटोनिक सिस्टम हो चाहे आपका कंप्यूटर सिस्टम हो। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी 2 की पावर में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 का जो गेम है, पावर ऑफ 2 का जो गेम है वो बहुत ही ड्रास्टिक है, बहुत ही बड़ा है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पर्टिकुलर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखना कितने क्वेश्चन मैं आप लोग को 2 की पावर से सॉल्व करवा दूंगा। जितने न्यूमेरिकल आए हैं वो 2 की पावर से बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको करके जब पूरे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो देख लीजिए, पावर ऑफ 2 में 2 की पावर 0 हो गया 1, 2 की पावर 1 हो गया 2, ऐसे ही करते करते जब आप 2 की पावर 10 पे आ रहे हो तो आपको मिल रहा है 1024। 1024 क्या होता है, 1 किलो होता है, जिसको हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज में 1 KB बोलते हैं, ठीक है। फिर 2 की पावर और बढ़ाते बढ़ाते जब आप 2 की पावर 20 में पहुंचोगे, 2 की पावर 20 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 20 का मतलब होता है 1 मेगा। 1 मेगा पिक्सल हो सकता है, 1 मेगा बाइट हो सकता है, ये बेसिकली आपको याद रखना है। 1 मेगा का मतलब होता है 2 की पावर 20। 2 की पावर 30 का क्या मतलब होता है, 2 की पावर 30 का मतलब होता है 1 गीगा। 1 गीगा बाइट ऑलरेडी आपने सुना होगा, ठीक है। सिमिलरली आप और आगे बढ़ो, 2 की पावर 32 कर दो तो हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 × 2 की पावर 30, यानी कितना हो जाएगा, 2 की पावर 30 होता है आपका 1 गीगा, और 2 की पावर 2 करोगे तो हो जाएगा 4, तो 4 × 1 गीगा कितना हो जाएगा, 4 GB। 4 GB, 6 GB, क्या हम लोग मोबाइल जब परचेस करते हैं तो ऐसे ही देखते हैं ना कितने जी बी रैम है, 4 GB रैम है, तो यही है 4 GB। कभी भी आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में 4 GB कितना इक्विवेलेंट होता है 2 की पावर में, तो हमेशा याद रखिएगा, एक माइंड में आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि 2 की पावर 32 होता है आपका 4 GB, ठीक है। सिमिलरली जब आप लोग 2 की पावर 36 करोगे तो इसको कैसे ब्रेक करोगे, 2 की पावर 6 × 2 की पावर 30। 2 की पावर 30 होता है 1 गीगा, और 2 की पावर 6 हो जाएगा 64, तो 64 × 1 यानी 64 गीगा, 64 GB हो सकता है जब हम लोग मेमोरी में इसको देखेंगे, ठीक है। सिमिलरली 2 की पावर 40 में हमें मिलता है 1 TB, 1 टेरा, ठीक है। और 1 टेरा का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जो हम लोग का हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क जो होगा वो टेराबाइट में रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग एज इट इज़ अपने पास कहीं नोट डाउन कर लो। 2 की पावर बेसिकली जो आपके ये 10, 20, 30 और 40 हैं, ये आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग अभी तक इस पर्टिकुलर डायग्राम से बहुत अच्छी तरीके से यूज टू हो चुके होंगे। पहले तो है म्यूपी, म्यूपी कनेक्टेड है आपका मेमोरी से, और म्यूपी ही कनेक्टेड है आपका IO यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से। और आप बहुत अच्छे से देखो, जो IO है और जो मेमोरी है उनका आपस में किसी भी टाइप का कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये भी चीज़ आप लोग अच्छे से देखते चलो। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ जान चुके हैं। सबसे पहले मेमोरी, मेमोरी क्या चीज़ होती है, स्टोर करती है, क्या चीज़ स्टोर करती है, प्रोग्राम और डेटास को। फिर म्यूपी की बात करते हैं, म्यूपी क्या करता है, म्यूपी करता है फेच करता है ऑपकोड्स,
फेच करता है ऑपकोड्स और उन ऑपकोड्स को डिकोड करता है और डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट है आईओ। आईओ का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड करना, ठीक है, इनपुट और आउटपुट म्यूपी तक पहुंचाना विद द हेल्प ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। अब आप इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर कुछ ब्लू लाइंस देख रहे होगे, म्यूपी और मेमोरी के बीच में कुछ लाइंस देख रहे हो और म्यूपी और आईओ के बीच में ब्लू लाइंस देख रहे हो। ये बेसिकली कोई ऐसे नॉर्मली हमने एक लाइन नहीं बना दी है, इसका भी कुछ मतलब है। तो देखिए ये जो लाइंस होती है ना, ये होती हैं बसेस। इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, ये होती हैं बसेस। बसेस क्या चीज़ होती है? बसेस होती हैं सेट ऑफ लाइंस। और सेट ऑफ लाइंस का क्या काम है? सेट ऑफ लाइंस बेसिकली ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन, यानी जो भी आपकी मेमोरी में चीजें स्टोर हैं उसको म्यूपी तक ट्रांसफर करेगी विद द हेल्प ऑफ बसेस, ठीक है। ये जो ब्लू लाइंस हैं ये बसेस हैं और इनके माध्यम से, इनके मीडियम से हम लोग इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं म्यूपी तक, ठीक है। सिमिलरली इनपुट आउटपुट के लिए भी आप लोग समझ सकते हो कि जो भी इनपुट आउटपुट हम प्रोवाइड करते हैं वो म्यूपी तक जाता है विद द हेल्प ऑफ बसेस। फ्रेंड्स, आप लोग ने अभी तक जो पीडी होती है, पेन ड्राइव, उसको कभी ना कभी अच्छे से देखा होगा। उस पेन ड्राइव को जब आप बारीकी से देखोगे तो आपको कुछ स्ट्रेट लाइंस देखने को मिलेंगी, जैसा कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में बनाया हुआ है। सिमिलरली आपने अगर कभी भी मदरबोर्ड देखा होगा तो उस मदरबोर्ड के अंदर बहुत ढेर सारी पतली पतली लाइंस होती हैं। वो जो पतली पतली लाइंस होती हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं बसेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो भी हम लोग मूवीज या फिर कोई सॉन्ग स्टोर करते हैं अपने पास या ट्रांसफ़र करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कोई मूवी के फॉर्म में नहीं रहती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें रहती हैं आपके बाइनरी डिजिट के फॉर्म में। तो आगे से जब कभी भी आप कोई फाइल ट्रांसफ़र करिएगा तो ये मत सोचिएगा कि ये जो फाइल है वो आपका सॉन्ग के फॉर्म में जा रही है या कोई वीडियो के फॉर्म में जा रही है, नहीं, ये हमेशा जाती है जीरो और वन के फॉर्म में, कंप्यूटर के अंदर जीरो और वन फॉर्म के अंदर स्टोर होती है। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी भी आप लोग डेटास का ट्रांसफ़र करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मूवी ट्रांसफ़र करी, तो मूवी के साइज इतने ज़्यादा होते हैं लेकिन वो फिर भी बहुत कम टाइम के अंदर कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं या कंप्यूटर से आप अपने मोबाइल में ले पाते हो। कैसे ले पाते होगे, इतनी जल्दी कैसे ट्रांसफ़र हो जा रही हैं ये सारी चीज़ें? तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है या जितनी भी आपने मूवी ट्रांसफ़र करी है वो सारी की सारी हो रही है विद द हेल्प ऑफ बसेस। ये जो ब्लू लाइंस हैं इनकी हेल्प से सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। अब इन ब्लू लाइंस में क्या चीज़ ऐसी लगी होती है जिससे ये जो इन्फॉर्मेशन जीरो और वन के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही हैं वो इतनी तेज़ी से हो पाती हैं? इनके अंदर लगे होते हैं ट्रांजिस्टर्स, और ट्रांजिस्टर एक्ट करता है स्विच की तरह, ठीक है। ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह एक्ट करेगा, ऑन और ऑफ का काम करेगा, लेकिन ये कोई मैकेनिकल स्विच नहीं है कि ऑन और ऑफ होने में इसको टाइम लगे। बेसिकली ये जो ट्रांजिस्टर है ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक स्विच बहुत तेज़ी से ऑन और ऑफ हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यही चीज़ें लिखी हैं कि ट्रांजिस्टर कंटिन्यूअसली सफलिंग बिटवीन VCC एंड ग्राउंड एंड कैन ट्रांसफर मिलियंस ऑफ बिट्स। बेसिकली जो भी डेटाज हैं वो सारे के सारे 1-0 के फॉर्म में रहेंगे, तो कितने वो रहेंगे 1-0 के फॉर्म में, कितने डेटाज रहेंगे? मिलियंस रहेंगे, मिलियंस, इतने ढेर सारे डेटाज 1-0 के फॉर्म में रहेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पा रहे होगे। तो ये जो VCC और ग्राउंड है ये क्या चीज़ होती है? VCC का मतलब हो गया सप्लाई करना, एक तरीके से सप्लाई हो गया, यानी कि वन ऑन, ठीक है, और ऑफ का मतलब क्या हो गया? ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड में क्या होता है? जो भी चीज़ करंट होती है वो रिटर्न होके आती है, और जो सप्लाई होती है इसमें वोल्टेज सप्लाई होती है। फ्रेंड्स, ये बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि जो भी ये डेटास, जो मिलियंस ऑफ डेटास हैं, जो मिलियंस ऑफ जीरो और वन हैं, ये सारे के सारे ट्रांसफ़र हो रहे हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स। तो इतने डेटास इतनी जल्दी जल्दी कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं? ये ट्रांसफ़र हो पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्विच। ये स्विच एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है जो कि बहुत जल्दी जल्दी ऑन और ऑफ होता है, जिससे ये डेटास आपस में ट्रांसफ़र हो पाते हैं, ठीक है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र हो पा रहे हैं। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने बस के बारे में ऑलरेडी जान लिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बस का साइज कैसे डिसाइड होता है, तो साइज डिसाइड होता है नंबर ऑफ लाइन से। अगर सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन का मतलब हुआ ट्रांसफ़र वन बिट, यानी कि ये एक वन बिट ट्रांसफ़र करेगी, और वन बिट ट्रांसफ़र का मतलब क्या हुआ? वन बिट बस, ठीक है। सिमिलरली अगर फोर लाइन आपको दिखे तो फोर लाइन का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफ़र फोर बिट या फोर बिट बस।
फ्रेंड्स, इस चीज़ का मतलब क्या, आप शायद मेरी बात समझ नहीं पा रहे होगे कि 4 बिट का मतलब क्या हुआ। 4 बिट बस का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर जो है वो किसी दूसरी डिवाइस से या जो भी आपने इनपुट दिया है वो 4 डिजिट एक साथ ले पा रहा है। मतलब है कि जो बस है वो एक बार में 4 डिजिट या बोलिए 4 बिट को ट्रांसफर कर रहा है। सिमिलरली होती है 8 लाइन बस, 16 लाइन बस। 16 लाइन बस की बात की जाए तो क्या हो गया, यहाँ पे 16 बिट जो डेटा है वो एक बार में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, या 16 बिट जो डिजिट है वो एक बार में ट्रांसफर हो रही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और जितनी नंबर ऑफ लाइंस रहेंगी उतनी तेजी में हम लोग ये डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो म्यूपी होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, जो कंट्रोलर होते हैं, इनके साइज जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम रहते हैं। तो कम से कम फिजिकल एरिया के अंदर हमें ये सारी चीज़ें फिट करनी रहती हैं। और अगर आप लोग नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो स्पेस रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, कॉस्ट कंपोनेंट की बढ़ती चली जाएगी। तो सारी चीज़ें बहुत ही प्रिसियस वे में, बहुत ही प्रिसाइज वे में हमें सेट करनी रहती है, ठीक है। तो देखिए, जो बसेस होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला एड्रेस बस, दूसरा डेटा बस और तीसरा कंट्रोल बस। और फ्रेंड्स, मेमोरी के अंदर अगर आप आओगे तो आपको पता पड़ेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे इनपुट के थ्रू कंप्यूटर के अंदर आ रही है, वो सारी की सारी मेमोरी के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। और वो मेमोरी के अंदर एक पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके स्टोर होती है, ठीक है। आप कोई भी जो डेटा लिख रहे हो वो मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर एड्रेस के अंदर ही जाके स्टोर हो रहा होगा, नहीं तो सारी चीज़ें हॉचपॉच हो जाएंगी। तो इसीलिए सारी चीज़ें स्टोर होती हैं एक पर्टिकुलर एड्रेस पे, और हर एक एड्रेस के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। लेट से आपने कोई वर्ड की फाइल सेव की है, तो वो वर्ड की फाइल कोई एक डेफिनेट लोकेशन पे ही जाके सेव होगी। लेट से हम लोग बोलते हैं 1409 एक एड्रेस है, एक नंबर है जिस पे जाके ये सारी फाइल स्टोर हुई है, जो भी आपने एक वर्ड की फाइल सेव की है वो जाके 1409 एड्रेस पे सेव हुई है, ठीक है। तो एड्रेस बस क्या करेगा, जब कभी भी आपको फाइल की रिक्वायरमेंट होगी तो आप कुछ कमांड दोगे, तो उस कमांड से जो म्यूपी है, वो डिसाइड करेगा और कॉल करेगा। कॉल करेगा कहाँ से, एड्रेस से। तो एड्रेस तक पहुँचाएगा कौन, एड्रेस तक पहुँचाएगा एड्रेस बस, ठीक है। रिक्वायरमेंट भेजता है आपका म्यूपी और एड्रेस बस उस पर्टिकुलर एड्रेस पे आपको पहुँचा देता है, ठीक है। अब बात करते हैं डेटा बस की। तो डेटा बस क्या करेगा, डेटा बस करता है कैरी द डेटा, ठीक है। और कौन सा डेटा कैरी करेगा, वो डेटा जहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन बदलनी है, ठीक है। लेट से आपका एक पर्टिकुलर लोकेशन है या एड्रेस है 1409, 1409 के करस्पॉन्डिंग एक कोई फाइल पड़ी हुई है एमएस वर्ड की, जिसके अंदर आपने कुछ चेंजेस कर दिए, ठीक है। लेट से उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर सिर्फ 25 नंबर लिखा हुआ है और उस नंबर को आपको चेंज करना है, ठीक है। यानी 1409 में एक एमएस वर्ड की फाइल पड़ी है, उस एमएस वर्ड की फाइल में सिर्फ एक नंबर लिखा है 25, ठीक है। वो आपका कोई पासवर्ड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो आपने 25 लिखा है, अब उस 25 को आप करेक्ट करके कर दे रहे हो 35, ठीक। तो उस 35 को जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे और सेव करोगे, तो वो सारी चीज़ें जो चेंज हुई हैं तो वो म्यूपी जो है आपका वो भेज देगा डेटा बस की हेल्प से, कहाँ पे, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है। और उस पर्टिकुलर लोकेशन तक, उस पर्टिकुलर एड्रेस तक पहुँचाएगा कौन, पहुँचाएगा एड्रेस बस। तो डेटा बस क्या काम कर रहा है, डेटा बस पर्टिकुलर लोकेशन पे, पर्टिकुलर एड्रेस पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बदलने का काम कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से डबल स्टार मार्क करके लिख लो कि डेटा बस का सिर्फ इतना सा काम होता है कि जो म्यूपी चेंजेस कर रहा है डेटा के अंदर फॉर पर्टिकुलर एड्रेस, किसी पर्टिकुलर एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा दिया हुआ है उसको अगर चेंज किया जा रहा है, तो वो जो चेंज होगा डेटा में वो सिर्फ और सिर्फ हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ डेटा बस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड टाइप होता है आपका कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करेगा, कंट्रोल बस माइक्रो प्रोसेसर की क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझेगा। अगर माइक्रो प्रोसेसर को कोई पर्टिकुलर डेटा की रिक्वायरमेंट है सो दैट उस पर्टिकुलर डेटा को रीड कर सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको व्हाट्सएप के अंदर कोई फाइल देखनी है तो आपने डिमांड करी, तो वो क्या करेगा, वो जो आपको फाइल देखनी है तो इसके लिए जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कंट्रोल बस से बोलेगा कि भाई आप एड्रेस बस के सहारे उस पर्टिकुलर फाइल लोकेशन पे पहुंचा दो,
और उस पर्टिकुलर फाइल लोकेशन को इनको जो हमसे डिमांड कर रहे हैं इनको दिखा दो, ठीक है। तो ये काम है आपके कंट्रोल बस का। सिमिलरली जो आपने डेटा के अंदर चेंज किया था, डेटा के अंदर जो चेंजेस किए थे वो डेटा बस से किए थे, ठीक है, और उस पर्टिकुलर डेटा के एड्रेस तक पहुंचाया किसने था, एड्रेस बस ने। लेकिन अब म्यूपी को डेटा की रिक्वायरमेंट है क्यों, क्या वो डेटा को सिर्फ पढ़ना चाह रहा है या डेटा के अंदर चेंजेस करना चाह रहा है। तो ये जो चीज़ है ना कि डेटा के अंदर चेंजेस होने वाला है या उसको सिर्फ पढ़ा जाने वाला है, तो जो ये चीज़ें हैं ये सारी की सारी डिसाइड होती हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल बस। फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो चीज़ें हमने पिछले स्लाइड में पढ़ी हैं उसको एक बार फिर से कंसाइज करने की कोशिश की है। तो देखिए, म्यूपी को अगर डेटा पढ़ने के लिए चाहिए यानी रीड करने के लिए चाहिए तो वो क्या करेगा, वो पर्टिकुलर एड्रेस से जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे कौन कौन सी बसेस यूज होने वाली हैं, जब रीडिंग के लिए चाहिए सारी चीज़ें तो आपकी सिर्फ दो बस यूज होंगी, ठीक है, कौन कौन सी, कंट्रोल बस और एड्रेस बस, ठीक है। उस टाइम पे डेटा बस यूज नहीं होगा। डेटा बस का क्या काम होता है, डेटा बस का काम होता है पर्टिकुलर एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा लिखा हुआ है उसको चेंज करना, ठीक है। तो ये चीज़ ट्रिपल मार्क स्टार से लिख लो, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा, इस चीज़ के लिए तैयार रहो, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ है, अगर आपको माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो डेटा लिखा है उसको फीड करना है किसी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर, लेट्स से 2000 के करस्पॉन्डिंग, 2000 जो एड्रेस है उसके करस्पॉन्डिंग जो डेटा है उसमें करेक्शन करना है, तो जो भी करेक्शन होगा वो किन बसेस की हेल्प से होगा, वो सारी की सारी तीनों बसेस के थ्रू होगा, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। तो फ्रेंड्स इससे एक चीज़ समझ में आ गई है कि जो आपकी डेटा बस है वो रीडिंग के टाइम पे यूज नहीं होती है, बाकी जितनी बसेस हैं वो ऑल टाइम यूज होने वाली है, ठीक है। फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए, हम लोग ने अभी तक ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, जितना भी हमें बेसिक बनाना था वो सारा का सारा बना लिया है। अब लास्ट चीज़ बच रही है वो है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड चीज़ें हमने पढ़ ली सारी की सारी। अब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, चलिए उसको जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लगे रहते हैं तीन लॉजिकल यूनिट, थ्री लॉजिकल यूनिट्स माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लगे रहते हैं। कौन कौन से, एएलयू, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट। एएलयू को आप लोग बहुत बचपन से जान रहे होंगे कि जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो भी चीज़ें आप लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं एएलयू के अंदर। लेकिन कुछ और भी ऑपरेशन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन, जो आपने गेट में पढ़ रखा होगा, एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ये जितने भी टाइप के गेट हैं इनके अंदर जो भी ऑपरेशन होंगे वो भी एएलयू के अंदर होते हैं, ठीक है। जो भी ये गेट के रिजल्ट निकलते हैं, एंड, नैंड, नॉर, इन सब का जो फाइनल आउटपुट है वो एएलयू डिसाइड करता है, ठीक है। अब जो एएलयू से आउटपुट आया, एएलयू का जो भी आउटपुट है वो सारा का सारा स्टोर होगा आइदर इन मेमोरी और इन रजिस्टर। तो मेमोरी के बारे में हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं, अब हम लोग बात करते हैं रजिस्टर की। तो रजिस्टर क्या करेगा, रजिस्टर करेगा डेटा और उस डेटा के करस्पॉन्डिंग जो भी एड्रेस है उसको स्टोर करता है, कितनी देर के लिए, टेम्परेरी, कोई भी परमानेंट यहाँ पे चीज़ें स्टोर नहीं होती हैं, ये चीज़ अच्छे से याद कर लो। रजिस्टर सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे सारी चीज़ों को स्टोर करके रखता है, कौन सी चीज़ों को, डेटा और एड्रेस को। तो देख लीजिए कुछ रजिस्टर रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल बीट, सी, डी, ई, एच, आई, एक्स एंड आई वाई, ये बेसिकली रजिस्टर के नेम है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना कि रजिस्टर का काम होता है स्टोर टेम्परेरी डेटा और उस पर्टिकुलर डेटा के करस्पॉन्डिंग जो एड्रेस है उसको स्टोर करना, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट जो कंट्रोल यूनिट है। तो कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, कंट्रोल यूनिट बेसिकली डेटा के जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करता है। कैसे, बेसिकली हम लोग ने पढ़ा है कि मेमोरी रहती है और क्या रहता है, और रहते हैं हमारे इनपुट आउटपुट और पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। तो बेसिकली जो भी इनपुट आउटपुट और मेमोरी से जो कनेक्शन है उसको कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है कंट्रोल यूनिट का काम क्या रहेगा, कंट्रोल करना, ठीक है। और फ्रेंड्स मैंने एएलयू में एक चीज़ और लिखी है कि जितनी भी यहाँ पे अर्थमेटिक कैलकुलेशन होंगी वो एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल सर्किट से होती हैं, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पे टेम्परेरी रजिस्टर लिख रहा है इसका क्या मतलब है, टेम्परेरी रजिस्टर का कैसे एएलयू यूज कर रहा होगा,
चलिए इसको भी समझ लेते हैं। लेट से आपको तीन डिफरेंट ऑपरेशन करने हैं। सबसे पहले आपको टू को थ्री के साथ ऐड करना है, फिर जो डिजिट आएगी उसका आपको मल्टीप्लाई करना है टू से, ठीक है? तो 2 + 3 हो गया 5। अब इस 5 को स्टोर कर लेगा रजिस्टर के पास, ठीक है? अब फिर से 5 को कॉल करेगा और 5 × 2 करेगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स, जो भी इंटरमीडिएट ऑपरेशन के दौरान जो भी आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन होंगे, उनकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो सारी की सारी स्टोर होती है रजिस्टर में, ठीक है? क्यों होती है? क्योंकि ये टेम्परेरी है। और अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर वैल्यू को हमें ज़्यादा देर तक के स्टोर करके रखना है या परमानेंटली स्टोर करना है, तो हम इसको भेज देंगे मेमोरी में। अब फ्रेंड्स, लास्ट चीज़ कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती होगी? इनकी मैन्युफैक्चरिंग के दो मेथड हैं। पहला है LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी, दूसरा है VLSI जिसका फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए, ये सिर्फ आपसे इसी फॉर्म में पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा, नहीं तो इसका कोई भी यूज नहीं होने वाला है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे 8085 आर्किटेक्चर को, और बहुत इजी होगा वो वाला वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से सिंसियरली देखा है, सारी चीज़ों को नोट डाउन किया है, तो आने वाले लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, हम लोग दूर करेंगे मुस्कुरा के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।